थर्ड क्लास ईवीएस के लास्ट वीडियो में हमने हमारा लेसन नंबर 4 चैप्टर 4 कंप्लीट करे थे, ठीक है। एंड टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट अबाउट चैप्टर नंबर 5 वर्क एंड प्रोफेशन, ठीक है। आज हम स्टार्ट करेंगे हमारा चैप्टर 5 वर्क एंड प्रोफेशन। तो सबसे पहले हम देखते हैं लेट्स बिगिन, ठीक है। अब क्योंकि ये चैप्टर जो है वो काम, प्रोफेशन, जॉब, इसके बारे में, तो लेट्स बिगिन से स्टार्ट करते, देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। डू यू हेल्प योर पेरेंट्स और डू एनी वर्क एट होम? आपको यस या नो में टिक करना है, क्या आप अपने मम्मी पापा की किसी काम में हेल्प करते हैं? अगर करते हैं तो यस, और नहीं करते तो नो। फिर टिक द शोज दैट यू डिड ऑन योर यस्टरडे, योर ओन यस्टरडे। आपको ऐसा काम टिक करना है जो आपने यस्टरडे, यानी कल आपने ऐसा कोई काम किया था क्या? पुट ऑन द स्कूल, पुटिंग ऑन द स्कूल यूनिफॉर्म, वॉटरिंग द प्लांट्स एट होम, पैकिंग द स्कूल बैग, पुटिंग द टॉयज बैग इन प्लेस आफ्टर प्लेइंग। यानी आपने अपनी स्कूल यूनिफॉर्म पहना है तो स्कूल आपके लग नहीं रहे, तो क्या आपने अपने कपड़ों को जमाया है, प्लांट्स को वाटर दिया था, स्कूल बैग पैक किए थे अच्छे से, या आपने टॉयज को अपनी जगह पर अच्छे से रखे थे? अगर आपने ये किए थे तो आप जो भी वर्क आपने किए तो आप उसको वहां टिक करेंगे। फिर आपको क्या करना है, क्वेश्चन नंबर सेकंड देखेंगे आप। नेम एनी टू शोज दैट योर फादर डज एट होम। आपको ऐसे दो काम बताना है जो आपके पापा घर पे करते हैं, ना कि ऑफिस में या बाहर, घर पे करते हैं। तो मैंने आंसर लिखू, मेरे पापा टू ब्रिंग वेजिटेबल फ्रॉम मार्केट एंड ऑल्सो हेल्प मदर इन कुकिंग। क्या करते हैं, वेजिटेबल्स मार्केट से लेकर आते हैं और मम्मी की कुकिंग में भी हेल्प करते हैं, ठीक है। फिर आपका थर्ड है, नेम एनी टू शोज दैट योर मदर डज एट होम। अब आपको दो ऐसे काम बताना है जो आपकी मम्मी करते हैं। तो मम्मी का घर का सारे ही काम करते हैं ना, सबका ख्याल रखते, तो मैंने वही लिखी हूँ, कुक फूड फॉर अस, हमारे लिए खाना बनाते हैं, एंड ऑल्सो टेक केयर ऑफ एवरी फैमिली मेंबर, और हर फैमिली मेंबर का वो ध्यान रखते हैं, ठीक है। आप इसमें अपनी मर्जी से भी आंसर लिख सकते हैं अगर आप चाहें तो, है ना, कि आप अपने मम्मी पापा के जो भी काम है वो आप अपनी मर्जी से भी लिख सकते हैं। मैंने ये आपको एक एग्जाम्पल के तौर पर दे दिया है। फिर हम स्टार्ट करते हैं हमारा लेसन, लेट्स फाइंड आउट वर्क अराउंड अस, हमारे आस पास के काम तो क्या है। वी ऑल वर्क, हम सभी काम करते हैं। एनीथिंग दैट इन्वॉल्व द यूज ऑफ अवर बॉडी और माइंड इज कॉल्ड वर्क। ऐसी कोई भी चीज जो हमारी बॉडी और माइंड का यूज कर रहे हैं, है ना, तो वहां जहां हम अपनी बॉडी और माइंड का यूज कर रहे हैं वो कहलाता है वर्क। मैंने ये बुक को पिक करी, ठीक है, हाथों का यूज करी, ये हो गया क्या वर्क। When we want to complete a task, we work towards it. जब हमें कोई टास्क पूरा करना है रहता है तो हमें वर्क करते हैं। जैसे मैं अभी आपको पढ़ा रही हूँ, मैं क्या कर रही हूँ, वर्क कर रही हूँ। आप पढ़ रहे हैं तो आप भी क्या कर रहे हैं, वर्क कर रही हैं। हम हमारे माइंड का भी यूज कर रहे हैं, फिजिकली अगर हम लिख रहे हैं तो हमारे हैंड का भी यूज कर रहे हैं, तो ये क्या हो रहा है वर्क। वर्क कैन बी डन बाय एनीवन एट एनी टाइम एंड एट एनी प्लेस। काम क्या है, कहीं पर भी हो सकता है, कोई भी कर सकता है, किसी भी समय पे कर सकता है। पीपल इन फैमिली वर्क टूगेदर एंड हेल्प ईच अदर टू लीव कम्फर्टेबली। जो फैमिली मेंबर्स होते हैं हमारे, जो फैमिली में लोग होते हैं, वो क्या करते हैं, सब एक दूसरे की हेल्प करते हैं और एक दूसरे को कम्फर्टेबली रहने में भी मदद करते हैं, ठीक है। पेज टर्न करेंगे तो देखेंगे वाई डू वी वर्क, हम काम क्यों करते हैं। वी वर्क सो एज टू कम्प्लीट अ टास्क एंड गेट द रिजल्ट दैट वी विश टू गेट। क्या बोल रहे हैं कि हम वर्क इसलिए करते हैं ताकि हम टास्क को कम्प्लीट करें और हमें वो मिले जो हम चाहते हैं। Our parents go out to work to earn money so that they can send you to good school, buy good and healthy food to eat and provide us a safe home to live. देखो, हमारे parents work करने के लिए, पैसा कमाने के लिए बाहर जाते हैं ना, वहां जाते वो काम करते हैं, तो वो क्यों करते हैं, ताकि वो हमें, ताकि वो मनी कमा सके, पैसा कमा सके, फिर हमें अच्छे स्कूल में भेज सके, हमारे लिए अच्छा और हेल्दी फूड ला सके, हमें एक सेफ्टी होम, एक अच्छा सा घर प्रोवाइड कर जहाँ हम सेफली रह सके, है ना। इसलिए मम्मी पापा क्या करते हैं, हमारे लिए काम करते हैं। चिल्ड्रन वर्क हार्ड टू स्टडी एंड लर्न न्यू थिंग एट स्कूल एंड होम। और बच्चे क्या काम करते हैं, चिल्ड्रंस क्या काम करते हैं, वो पढ़ाई करते हैं, है ना, और नई नई चीजें सीखते हैं स्कूल में, घर में, ठीक है। दे वर्क एट होम टू हेल्प देयर पेरेंट्स, और वो घर पे भी काम करते हैं अपने मम्मी पापा की हेल्प करने के लिए। पीपल वर्क टू, लोग काम क्यों करते हैं, अर्न मनी, पैसा कमाने के लिए, हेल्प ईच अदर, एक दूसरे की मदद करने के लिए। मेक देयर लाइफ मोर कम्फर्टेबल, अपनी लाइफ को और भी ज्यादा अच्छी, और भी ज्यादा कम्फर्टेबल बनाने के लिए वर्क करते हैं। फॉलो ड्रीम्स टू अचीव देयर गोल्स, और अपने ड्रीम्स को कम्प्लीट करने के लिए भी वो वर्क करते हैं। तो लेट्स ट्राई वन है, इसमें आपको डिस्कस करना है, शेयर करना है, लिखना कुछ भी नहीं है। क्या क्वेश्चन है, पीपल ऑफन वर्क टू फॉलो देयर ड्रीम्स एंड अचीव अ गोल दे हैव सेट। कैन यू थिंक ऑफ अ फेमस पर्सनालिटी हु वर्क्ड टू फॉलो हिज हर ड्रीम। आपको क्या करना है, देखो, लोग
जिन्होंने गोल सेट कर रखे, जिनके ड्रीम्स है सब चीजें बनना, लेकिन